आज से 15 साल पहले सोच के देखो, इस देश में कौन जानता था केजरीवाल को, कौन अरविंद केजरीवाल है? 15 साल पहले कोई नहीं जानता था। ये पता नहीं ऊपर वाले ने क्या आशीर्वाद दिया, क्या कृपा हुई, ऊपर वाले ने एक अपनी जादुई छड़ी चलाई और अचानक केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। इन्होंने मेरे को जेल में क्यों डाला? प्रधानमंत्री जी ने मेरे को जेल में क्यों डाला? मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर है, मैं पिछले 10 साल से पूरी ईमानदारी के साथ दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहा हूँ। अब दिल्ली में और पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है। ये चमत्कार है माँ जी, 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। और ये वरदान मिला है मेरे को ऊपर वाले का, इस दुनिया में एक ही आदमी 24 घंटे मुफ्त बिजली दे सकता है, केजरीवाल, और कोई बिजली मुफ्त नहीं दे सकता। तो मोदी जी को लगने लगा ये केजरीवाल तो बहुत काम कर रहा है, पहले दिल्ली जीत गया, 3 बार दिल्ली जीता, 3 बार 3 चुनाव जीते हैं और वो भी भारी बहुमत से। तो मोदी जी को लगने का लगा इसको रोको, ये तो ऐसे पूरा देश ही जीत लेगा, जगह जगह जा जाके ये अच्छे काम कर करके जीत लेगा। तो मोदी जी ने एक षड्यंत्र रचा, झूठे आरोप लगाए, फर्जी केस बनाया और मेरे को उठा के जेल में डाल दिया। दोस्तों, मैंने दिल्ली में 700 स्कूल बनाए शानदार गरीबों के बच्चों के लिए। मोदी जी आप 70,000 स्कूल बनाओ पूरे देश में गरीबों के लिए, 70,000, 7 लाख स्कूल बनाओ, आपके पास तो बहुत पैसा है। आप केजरीवाल को गिरफ्तार करके मेरे स्कूल बंद करना चाहते हो, ये गद्दारी है देश के साथ, ये ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं।